छोटा बच्चा देखा है आपकी गोदी में, एक बच्चे को लेना ऐसा उचकाना, रोएगा कि हंसेगा? जम के तो बोलो, हंसेगा। क्यों? उसको मालूम है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी टेबल पर, पलंग पर बच्चा चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब उसकी मम्मी, जब उसके पापा, जब उसकी माँ, जब उसके पिता उसके पास होते हैं, चढ़ता है, कूदता है। उसको मालूम है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मेरे पिता मुझे संभाल लेंगे। एक हवाई जहाज जा रहा था और पायलट ने अनाउंस कर दिया मौसम ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, और ये हवाई जहाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। सब ने सीट बेल्ट बांध लिया, हवाई जहाज चल रहा था। एक बच्ची 6 साल की गेम खेल रही थी, टॉफी खा रही थी। हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों ने कहा तुम सीट बेल्ट बांध लो, ऐसा लग रहा है सबके आंख में आंसू है, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो, गेम खेल रही हो, टॉफी खा रही हो, बिस्कुट खा रही हो, क्या तुम्हारे मन में भय नहीं है? उसने कहा नहीं। तुम्हें मालूम है हवाई जहाज अभी नीचे गिरने वाला है, तुम्हें भय नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पायलट है वो मेरा पापा है। जब मेरा पिता हवाई जहाज चला रहा है तो ये मेरा विश्वास कहता है उसको मालूम है मेरी बेटी पीछे बैठी है, कुछ भी होगा वो सही जगह ही उतारेगा, मरने नहीं देगा। ये विश्वास आपके भीतर होना चाहिए कि आपको, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को चलाने वाला देव अधिदेव महादेव वो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तो आपको डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। ऐसा कोई कण, ऐसा कोई क्षण जहां शिव ना हो, कोई जगह बता दो जहां शिव ना हो। एक एक कंकर में शंकर समाया, एक एक बिंदु में शिव तत्व समाया, एक एक बिंदु में। कभी आप लोग आपके क्षेत्र में कहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम हो तो वहां जाकर अगर आप देखे होंगे तो वहां एक बिंदु से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। आप उन बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बिंदु से शिव की उत्पत्ति है, एक बिंदु से शंकर, शंकर में बिंदु है और बिंदु में शंकर, और फिर उन देवाधिदेव महादेव से आगे आगे जो रचना हुई नारायण ब्रह्मा देवता सब प्रकट होते चले। उस बाबा को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है। जो जान गया वो जानने के बाद फिर गलती नहीं करता। रात्रि को सोने से पहले उसका भजन जरूरी है। सांप से डरते हो ना? अरे बोलो तो। नहीं डरते हो तो मंगवा के छोड़ दे। सांप से डरते हो तो पाप से भी डरा करो। जब सांप से भय लगता है तो पाप से क्यों नहीं लगता? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं? तो कई लोग कहते हैं गुरु जी आप कहते हो कि गंदा मत बोलो, अपशब्द मत बोलो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो, दूसरे लोग हमको बोलते हैं वो। अरे तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, जो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है। दूसरे नहीं बकेंगे, तुम्हारी कॉलोनी के जो होंगे, तुम्हारे मोहल्ले के जो होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे परिचित जो होंगे, जो तुम्हें बचपन से देखे होंगे, जो तुम्हें जानते होंगे। नामदेव जी को गाली किसी दूसरे ने नहीं दी, उनके अपनों ने दी। संत ज्ञानेश्वर महाराज को अपशब्द कह देते थे, संत तुकाराम जी को आड़ा टेढ़ा कह देते थे, मीराबाई को आड़ा टेढ़ा कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को आड़ा टेढ़ा कहते थे, कर्माबाई को अपशब्द कहते थे। भारत की भूमि के एक एक संतों का चरित्र निकाल कर देखिए, उनको कितना अपशब्द कहा गया, उनको कितनी गालियां दी गई, उनको कितना आड़ा टेढ़ा कहा गया। ये संत तो बाद में पुजाए, जब भगवान में समाहित हो गए, जब भगवान में चले गए, संसार छोड़कर चले गए, तब दुनिया के लोगों ने इन संतों को पूजना चालू करा। जब तक जिंदा थे तब तक उनके नगर के लोग, उनकी कॉलोनी के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके प्रदेश के लोग उनको अपशब्द कहते रहे। जब वो चले गया तब दुनिया को मालूम पड़ा कि संत तुकाराम जी क्या थे, संत ज्ञानेश्वर क्या थे, संत एकनाथ जी क्या थे, मीराबाई क्या थी, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी क्या थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज क्या थे, श्री निंबकाचार्य जी महाराज क्या थे, उनको पहचाना। फिर लोगों चर्चा किसकी होती है? जो मर गया उसकी कभी चर्चा होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, जो जिंदा है, जिसकी हस्ती है, जिसको लोग जानते हैं, उसी की चर्चा होती है। जिसकी हस्ती ही नहीं, जिसको लोग पहचानते ही नहीं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। जितनी गाली दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली बेचारे मोदी को पड़ती होगी। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द कहते रहते, तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर आगे बढ़ता जाता है।
प्रसन्नता में कार्य कर आगे बढ़ते जाता। मुड़कर मत देखो कौन ने गाली दी है, कौन ने अपशब्द कहा, कौन ने ताना दिया, किसने क्या कहा। आप अपना कर्म करिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो मिला हमें समय उसको हम क्यों गमाएं, व्यर्थ की बात करकर, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। असली संत, असली साधु गुरुजन जब जन्म लेता है तो उसको सबसे ज्यादा अपशब्द कहा जाता है, बहुत गालियां, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना, जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं। मीराबाई जहां रहती थी आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे, जो आता था वह हंसी उड़ा करता ना देकर उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चले गए जब उनके महत्व को जाना कि मीरा कर्मा नरसिंह मेहता नामदेव ध्रुव प्रहलाद क्या थे, प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे, जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या है, क्या जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे, बहू से चार बार बोल चुकी खीर नहीं खिलाई, सास निपटी खीर बनी, सास गई खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है स्माइल देता हुआ, वो कंडा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में विचार कर रही, मैं कहते कहते मर गई तो नहीं खिलाया, मरने के बाद पूड़ी और खीर को मिला के फोटो में चिपकाया। सास बिचारी सिर पे पल्लू डाली फोटो में, ऐसी कैसी मुस्कुराती रही, पूड़ी चिपकी रही। पूरे साल श्राद्ध आई तब पूड़ी और खीर निकली, अगले साल की फिर चिपकी, चिपक गई। फिर अगला साल आएगा फिर खीर पूरी चिपक जाएगी, फिर चिपक। अब हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, जब तुम्हारी बहू रसोई घर पकड़ ले, तुम्हारे बच्चे अच्छे से दुकान चलाने लगे, काम करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छे से रसोई घर में भोजन बनाने लगे, घर संभालने लगे, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ लें, तुम्हारी बहुएं तुम्हारा घर रसोई घर पकड़ लें, तब तुम हाथ में पानी का लोटा पकड़ लो और माला पकड़ लो, बस एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। नहीं पकड़ोगे, दो चार कदम चलने की आदत डालो, दिन भर सोफे पर पड़े रहते हो, मोबाइल रिमोट हाथ में पड़ा रहता है, पड़े पड़े घर में शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाती है। दूध वाला दूध देने आता है, घंटी बजाता है तो भी नौकर जाता है, कोई आया तो नौकर दरवाजा खोलता है, भोजन वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, भांडे वाली सब आती है, तुम अकेले केवल मोबाइल और टीवी, इसके सिवाय डेंटिंग पेंटिंग और कुछ भी, शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। कम से कम एक लोटा पानी लेकर जब तुम शंकर जी के मंदिर में चलकर जाओगी, पैदल चलकर जाओगी, तो लोग ये जान भी जाएंगे कि हमारे नगर की सेठानी कम से कम मंदिर आती है, और शरीर भी ठीक रहेगा और बाबा की शरणागति रहेगी। तुम्हारे बेटे दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं घर पकड़ ले, रसोई घर पकड़ ले, तो तुम हाथ में एक लोटा जल और हाथ में माला पकड़ लो। ये दो चीज अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर पलंग पकड़ लो। फिर डॉक्टर क्या कहेगा, पलंग पकड़ लिया, थायराइड गड़बड़ हो गया, शुगर ऊंची नीची हो रही, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, घुटने दुख रहे, कमर में गैप आ गया, ना जाने कितनी कितनी बीमारियां मनुष्य को घेरती चली जाती है। उसका कारण इतना सा है कि तुमने सही समय पर माला नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर पानी का लोटा नहीं पकड़ा, तुमने सही समय पर शिव महापुराण नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर बाबा का नाम नहीं पकड़ा, इसलिए फिर बाद में पलंग पकड़ना पड़ा। पलंग पकड़ो उससे पहले माला पकड़ो। पर कई लोगों की आदत रहती है जब तक पलंग नहीं पकड़ते तब तक माला भी नहीं पकड़ते। डॉक्टर ने कहा थोड़ा घुमा करो, कितना घूमती हो, जाया करो घूमने, बीमारी बढ़ रही है, अब घूमने जा रही है। डॉक्टर कहा तब घूमी, पहले घूम लेती ना, पलंग पकड़ा तब माला पकड़ी तो मतलब कुछ नहीं है। एक उम्र होती है, उस उम्र में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है।
बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, घड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है, ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते हैं? अरे बोलो तो जम के बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तू ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है, उस मोड़ में सावधान रहना नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान, कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो, मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाएगा। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बन दिया कि मोड़ आएगा जिंदगी में। कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बंदा है, जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना, कहीं इधर उधर भटकना मत। आज देव उठनी एकादशी है, बेद भाजी आंवला, उठो देव आंवला। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादी, विवाह चालू आज से हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। आते मोड़, माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्मपत्नियों ने अपशब्द कह दिया, जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है, कोई संत कोई सदगुरु के पास में जो रहता है। फिर वही कथा कह रहे हैं, स्मरण में रहे, तीन को समझाना सबसे कठिन काम है, एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को और तीसरा अपने पड़ोसी को, समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी या रिश्तेदार नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कर देगा। कौन, किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा उससे पूछ, अरे कौन प्रदीप मिश्रा है, तो बेवकूफ बनाए, सबको एक लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है, पता नहीं क्या सीख के आया। हेलो, क्या प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता, हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो, उसने हमें पकड़ा है संभाला है तो वो आपको भी संभालेगा, हमारे पास बैठ कर क्यों समय बना। आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरु जी और महाराज उन तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट के, बस आए उठे और चल दिए अपना पाठ करने के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में दुकान पर नौकरी में लगे रहोगे, उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा नहीं है, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब, भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना चौड़ा करना पड़े पर खाते जरूर, समय देते, श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया, और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो,
अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय दे रहा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी, तू 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जाना, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन मैं हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह लेना। जिसको तुमने समय दिया पूरी जिंदगी, पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए, जिसको समय दिया, अजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल एक जरा सा समय दिया था, एक लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिवपुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है 28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से, ऐसे तुम अपने नजदीक में अगर शिवपुराण हो रही है, अपने नजदीक में शिवालय है जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, या 4 का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया, तुमने खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में आखिरी में डॉक्टर कह देता है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया, और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया उसने। एक व्यक्ति मिलिट्री में सर्विस करता, एक पत्र तो यही पढ़ लो, देखो मिलिट्री का तो ठीक है। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी रहने वाली हूँ, कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक। कहीं बैठी हैं हाथ उठा सकती हैं या स्वयं खड़ी हो जाएं, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो या हाथ हिलाएं। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी रहने वाली कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर या एलईडी पर इस पत्र को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप सबको पढ़ सकते हैं हमारे साथ में, अपने अपने एलईडी पर पत्र को अवश्य पढ़ें। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक में, मेरा लड़का कुमार योगेश परदेसी, इसकी किसी बीमारी के कारण किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसके किडनी बदलने का बोला। हमने, मेरे पति ईश्वर परदेसी अपनी किडनी देने को तैयार हो गए, उसकी जाँच हो गई और किडनी देने की तारीख आ गई। इसमें हमारी जिंदगी बहुत कष्टमय से गुजर रही थी गुरुदेव, तब हमारे पहचान वालों ने, आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, हमारे पहचान वालों ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा सुनकर शंकर भगवान को एक लोटा जल डालना समर्पित करना प्रारंभ करा और शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। बेटे की किडनी बदलना थी, उसके डायलिसिस होते थे, इतने डायलिसिस होते थे कि 2 दिन के अंदर डायलिसिस का क्रम चलता था। अब किडनी बदलने की तारीख आ गई, एक बार वापिस डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया, डॉक्टर देखकर अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डायलिसिस भी बंद हो गया, दवाई भी नहीं खा, डायलिसिस भी बंद हो गया और बाबा ने उसको संभाल लिया। दीदी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ओ भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो। इसमें लिखा डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया, उसकी दवाई बंद हो गई और मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, अब वो बहुत अच्छे से सब कार्य कर रहा है, कोई चिंता नहीं। ये शिव भक्त कौन आया उस समय पर, पिता अपनी किडनी देने को तैयार हो गया, मां अपनी किडनी देने को तैयार हो गई, परिवार में टेंशन आकर खड़ा हो गया, डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी थी, किडनी चेंज होना थी, पर बाबा पर भरोसा करा, आपने उसको समय दिया। ए मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, सावधानी रखना, आप अगर देवाधिदेव महादेव को समय दे रहे हो, आप शंकर भगवान को समय दे रहे हो, शिव महापुराण में समय दे रहे हो, जाकर पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, टीवी पर मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय अगर मेरे बाबा को दिया है तो ये निश्चित है अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो दीवाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपने जो उसको समय दिया उसने आकर आपको साथ लिया, वो समान
सारी समस्या का हल। अब इस बहन से कोई पूछे, ये कालाराम मंदिर के पास में जो रहती है, चित्रा ईश्वर परदेशी, कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक में जो रहती है, उसका मोबाइल नंबर भी यहां लिखा। इस बहन से कोई पूछे कि ऐसा कभी हो सकता है डॉक्टर के हिसाब से कि किडनी बदलने जा रही हो, डायलिसिस चल रहे हो और वो सब ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जब आप भगवान के भरोसे रहते हो, उस पर सब कुछ छोड़ देते हो। एक पत्र में, एक पुलिस, एक भाई मिलिट्री में जॉब करता था और उर्मिला संदीप बड़गुजर, नासिक पारथोड़ी फाटा, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला से आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पति संदीप बड़गुजर जो आर्मी में 19 साल कार्यरत होकर रिटायर हो गए, 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी नौकरी उनको मिले, पर कोई चांस 5 साल से नहीं लगा। तब मेरी माँ जो आपकी बहुत बड़ी शिव महापुराण की भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत कर। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी। पति कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है, पशुपति व्रत का फल क्या मिल सकता है? ये व्रत तो हमने कभी सुना नहीं, छेदिया का ये फल हमने कभी आज तक देखा नहीं, फिर भी माँ कह रही है अपन व्रत करते हैं। घर में प्रसाद बनाना, छेदिए लेकर मंदिर जाना, 5 दिए लगाना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, 1 मंदिर का हिस्सा लेकर आना, 6 दिया दरवाजे पर लगाना, ये सब कुछ हमने किया बाबा। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मेरे पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, एक विश्वास जागृत हो, एक भरोसा केंद्रित हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा केंद्रित हो जाता है, तब मेरा बाबा स्वयं आकर खड़ा हो जाता है, स्वयं। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अब देव उसको समझ, हम क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए, घर के बच्चे हैं तो वो चढ़ा, बेटी है तो वो चढ़ा, बेटा है तो वो चढ़ा, पति है वो भी चढ़ा, पत्नी है वो भी चढ़ा। कारण, कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते, तुम्हारी दुख की घड़ी में कब मेरा देवाधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओ। गाली देने वाले, अपशब्द करने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे, उनके अंदर ईर्ष्या जागृत थी, कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे, नजदीक में रह रहे। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, ये गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले, उनकी आंखों में खटकने लगता है, खटकता। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को, ये चल दी इसी ओर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन, ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर ताण के कहने दो, बोलने दो, अब शब्द कहेगा कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पत्नी पतियों से कह दिया ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुमको, तुम उनको खटकोगे, इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं, ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा, सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या के पास आए, माता माता माता, कई लोगों ने कहा
अय्या के पास चलते हैं गौतम ऋषि से, कहेगी जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जलवृष्टि प्रारंभ हो गई। जलवृष्टि प्रारंभ, अब जलवृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई। गौतम ऋषि की जय हो, माता अहिल्या की जय हो। धन्य ऐसे ऐसे ऋषिवर धन्य है, ऐसी माता धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पति परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, और तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया, खटक रहे इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का आह्वान करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले, ऐसा मत करो, क्यों कर रहे, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया, नहीं तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, यह हमें खटक रहा। ठीक है, अगर यह तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए, और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्होंने छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कत्राड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा, और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई, तब गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है, आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपशब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया, आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठ कर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में ले आना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा, बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए? गौतम ऋषि, अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि गौतम ऋषि शिव जी कह रहे हैं, मांगो। गौतम ऋषि कहते हैं, बस कृपा करो, गंगा लाना है यहाँ, इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा, पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं, जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई, ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने के, मां अहिल्या चरणों में पड़ी, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका यह फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों और पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया अहिल्या ने भोलेनाथ के, बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा, अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकल कर प्रकट हो गई। गोदावरी भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको
जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है, जब दुनिया वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार, क्या लिखा है बोलो बोलो जम के बोलो, हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है, जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है, अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है, अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है, उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो उतना रम। शिव कथा करते हैं, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, 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 जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बोल, राधे हरि बोल, कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है।
डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है, माली ने बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है, जो पेड़ से डाली टूट गई उसे कोई लगा नहीं पाया है, जो पेड़ से डाली टूट गई उसे कोई लगा नहीं पाया है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, ओ, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे हरि बोल। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ आनंद के साथ कहिए, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर। आज देव उठनी एकादशी है, माँ गोदावरी का पवित्र भूमि, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी, कपालेश्वर महादेव की साक्षी, माँ सप्तशृंगी माता की साक्षी और शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जो हो रही है, आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। इतनी बड़ी एकादशी आज आपको मिली है यहाँ बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए, देव दीपावली की कथा बाऊ से कहिए। श्री शिवाय नमः।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन त्र्यंबक के रूप में शिवलिंग के रूप में त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हैं। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग, आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना, ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं, शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है नासिक यहां रह गया त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो, आए हो सब लोग, रखिए याद, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर उससे दिल से प्रार्थना कर जरूर आए। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है, देव दीपावली यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कलकत्ता में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है, बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को यहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं सुबह से, फिर उसको अपनी अलमारी तिजोरी में लोग रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल, बाबा इतना भर देता है, फिर पहुँचते हैं। शिव कृपा शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम रुपेश आहिर है, मैं नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रुपेश आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों। इधर बैठे हैं क्या, दिख रहा है आपको, चैनल में आए, बच्चा लाए हैं क्या साथ में, बाबू आया है उनका, नहीं लाए, लाए हैं बच्चे को, लाए हैं उसको बुलाओ, यहीं से ले लो उसको, हाँ बुला लो यहाँ से। मेरा नाम रुपेश आहिर नासिक आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। मेरा लड़का गोरांश
आहिर है, 2.5 साल का है, 5 महीने पहले उसको कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि संभलने का मौका नहीं दे पा रहा, हम लोग बहुत डर गए। 2.5 साल के बच्चे को 5 महीने पहले जो कैंसर हुआ वो बहुत विचित्र था। हमारी पड़ोसन रोज एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाती है और वो बहुत तेज तेज चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा तो चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या है, उसने कहा ये सीहोर वाला महाराज कथा करता है, इस मंत्र का जाप बताता है, हम वही जपते हैं। सीहोर कहाँ, आप जाएंगे उज्जैन तो सीहोर सर्च करेंगे पहुँच जाएंगे। हमने कहा हम सीहोर नहीं जा सकते क्योंकि बेटे को तो अभी कैंसर हो गया, पर बाबा का नाम लेकर मैं कथा जरूर सुनूंगा। चैनल चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर बड़ा विचित्र था, करें क्या। डॉक्टर से कहा कि इस छोटे से बच्चे का कैंसर का कहीं ऑपरेशन करना या अन्य चीज़ें करना बहुत कठिन है। तब डॉक्टर से कहा आप तो थोड़ी दवाई दे दो, बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, कैसे संभालेगा। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, बेटे को ले जाकर शंकर जी को आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। बच्चे को हमने बाबा के सहारे छोड़ दिया कि अब ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी संतान तुम समझ। दूसरी बार हम डॉक्टर के पास चेक कराने गए तो कैंसर नील में आ गया। बच्चा आया ला रहे, बच्चा ला रहे हैं, अच्छा बच्चा घर चले गया है, ठीक है ना बाबू, हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय ये भेज रहा हूं बाबू को देना, ठीक है। अब ठीक तो है, एक हाथ हिला दो एक बार। शिव कृपा बनी रहे। गुरुदेव आप तो व्यासपीठ से कहते हो कथा, पर वो कथा नहीं रहती गुरुदेव, वो मेरा बाबा खुद कहता है और सुनता है, शिव कथा है, उसको सुनो। बैठिए इधर, श्री शिवाय नमस्ते। उसके भरोसे पर रहना, उसके सहारे रहना, उसके विश्वास पर दृढ़ी रहना, ये बहुत जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साथ का नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने, क्या स्थिति होती होगी एक माँ की, क्या स्थिति होती होगी एक पिता की। पर मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना कथा, कृपा की कथा। एक माँ ने एक पत्र में लिखा उसका 8 साल का लड़का मर गया, 8 वर्ष का बेटा मर गया, माँ पागल जैसी हो गई। माँ पागल जैसी हुई तब उसने सब देवी देवता सब इधर उधर सब कर दिए। मैं मंगला ताराचंद महाले, मैं बाबा की का वर्णन करूं, मेरी बेटी किरण सोनवड़े सिड़को, उसका 8 साल का एक लौता बेटा स्कूल में गिरने की वजह से मर गया, अंदरूनी चोट ज्यादा आई थी, 6 मार्च को उसका देहांत हो गया। बाबा बेटी पागल जैसी हो गई, पूरा घर टूट गया, 4 घंटे के अंदर उसके प्राण चले गए। बाबा 4 घंटे में उसके प्राण निकल गए। गुरुदेव बेटी ने कहा मैं देवता नहीं पूछूं, भगवान का भजन नहीं करूं। उसी तारीख को जब मेरा बेटा गया है मुझे वो ही बेटा वापिस चाहिए, तो मानू तेरे महादेव को, तो जानू कि कुबेरेश्वर महादेव कुछ है, कथा में कुछ है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, बाबा तो बाबा है। मैंने बेटी से कहा तो चिंता मत कर, बाबा जरूर देगा और कृपा जरूर करेगा। थोड़ा समय निकला, समय निकलने के बाद बेटी रोती रहती, बांवरी जैसी हो गई। तब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग को हाथ लगाकर रोती रहती, मुझे मेरा बेटा चाहिए और वही चाहिए और उसी तारीख को चाहिए जिस तारीख को आपने लिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे 8 साल के बेटे का फोटो लगा रही हूँ जो मरा, आप उसको LED पर TV पर देख सकते हैं। मेरे 8 साल के बेटे का मैं फोटो लगा रही हूँ जो मरा, उसका फोटो लगा रही हूँ जो स्कूल में गिर गया था और मर गया था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ, बाबा ने मुझे उसी तारीख को मेरा बेटा 1 साल में प्रदान कर दिया जिसका फोटो मैं 2 नंबर पर लगा रही हूँ, जिसका फोटो शिव कथा हो गई है।
उसका मैं फोटो लगा रही हूँ जो बेटा मुझे वापस दिया है मेरे बाबा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले, जो मांगा वो देता है झोली वो भर देता है, जो मांगा वो देता है झोली वो भर देता है, सबका साथ निभाता है सबका साथ निभाता है, वो काशी का रखवाला है वो काशी का रखवाला, जो मांगा वो दे दिया भंडार भरना उसका। बोल कुबेरेश्वर महा, हम सहारे हैं उसके, हम उसके भरोसे पर जी। किसी ने पत्र में लिखा था क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए, क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? हम कहते क्यों नहीं होना चाहिए, भक्त भी तो उसी के हैं जो जिद्दी है, भक्त भी तो उसी के हैं जो विष पी सकता है, चंद्रमा मस्तक पर ले सकता है, गले में सोने के कंठे नहीं रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जो बाघंबर पहनकर भस्म रमा कर दिन रात भक्ति में डूबा रहता है, कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं, आप उसके सहारे जी रहे, आप उसके भरोसे जी रहे, आप उसके सहारे जी, क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है बड़ा सुंदर संवाद, कहा आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि पर तीनों को, तीनों पर। हमारे बीच में संत साधु महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर, ब्रह्म कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी साधुवाद, सबके चरणों को नमन करता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करें, आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास टूटे ना। और मेरी जीजियों, ऐ मेरी नासिक की बहनों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी विद्वान बन जाओ, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती, अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो, तुम कितने बड़े अहुदे पर बैठे हो वो तुम जानो, तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां, सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंत्री की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है, वहां तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती है। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहना, पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे, थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ फिर किसी से पूछो देखना ठीक लग रही हूँ ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो, अब उधर से करी तो इधर से, फिर किसी से पूछो अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब ठीक लग रही, फिर किसी से पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोल, फिर किसी से पूछो पूरी, अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ, कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो, कांच के सामने जाओ, इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा, आप जितने लोगों से, आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो, पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो, योगी से पूछो तो कहेगा योग करो, भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो, साधु से पूछोगे तो कहेगा सब छोड़कर तीर्थ करो, सबसे पूछ रहे हो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, शिव पुराण कहती है किसी से मत पूछो, दर्पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा, एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन, दर्पण है शिव पुराण,
दूसरे से पूछोगे वो बताएंगे क्या हो गया, मेरे को दुख है, दुख है, ऐसा करिए जाओ वहां जाकर भभूति ले आना, वहां जाकर बेल बांध दिया, वहां नारियल बांध दिया, किसी के गए कहीं का कोई घूम रहा था उससे पूछ लिया, तुम बता दो मेरे को तकलीफ बहुत सारी है, उसने कह दिया तेरी पड़ोसन नहीं तेरे ऊपर कुछ कराया, अब पड़ोसन से संबंध अच्छे थे बेचारी से बिगाड़ा हो गया, फिर किसी ने कह दिया तेरी बहू बुरी आ गई, किसी ने कहा बेटा ही बुरा हो गया, किसी ने कह दिया तेरी बहू मायके से करा के लाई थी इसलिए तू बीमार पड़ गई, बस व्यर्थ की बातें दिमाग में भर लिए, कचरा इकट्ठा कर लिया, तुमने सबसे पूछा मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, एक बार शिव पुराण में पहुंच जाती, एक बार दर्पण के सामने खड़ी हो जाती, मालूम पड़ जाता सब व्यर्थ, ये सारा ढोंग प्रपंच कहीं नहीं, कोई कहे तुमसे किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया सास ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा मेरी दुकान उसने बंद कर दी, किसी ने कहा उसने बंद कर दिया, अगर ये तंत्र मंत्र काम करते होते तो दुनिया के लोग सबसे पहले वो दिल्ली में बैठा, तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पर नहीं करते लोग, इतना पैसा करोड़ों का धन वैभव सत्ता सब कुछ है ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं आपके भाग्य के आगे, जो दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा और सुख लिखा है तो सुख भोगना पड़ेगा, और इतना याद रखना दुख की घड़ी में अगर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार होते समय दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण सब सत्य बता देगा, दुख की घड़ी में शिव महापुराण की कथा में बैठ गए शंकर के दरवाजे खड़े हो गए तो वो दुख काट देगा, कोई नहीं काटेगा केवल एक शिव, भगवान ओघनदानी तुम्हारी तकलीफ काट देगा, आखिरी में मिलना भी किससे, उसी से तो जाकर मिलना है, प्राण छूटने के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कहीं और लेकर जाते होंगे, हमको तो नहीं लगता मरने के बाद सब लोगों को शमशान लेकर जाते हैं, नासिक में और कहीं ले जाते हो फाइव स्टार होटल में तो बात दूसरी, तुम्हारे यहां मरने के बाद लोगों को अगर कहीं क्लब मिलब में ले जाते हो तो बात दूसरी, वाटर पार्क मरने वाले को लेकर जाते हैं, अरे बोलो तो जमते नहीं, हो सकता है नासिक की मेथड अलग हो, डिजाइन अलग हो, यहाँ मरने वाले को हमारे यहाँ हम फाइव स्टार होटल में लेके पहले उनको सुला देते हैं फिर सब पार्टी मनाते हैं, इसके बाद आखिरी में तुम कहीं फाइव स्टार ले जाओ सुपर स्टार ले जाओ चाहे ट्विंकल स्टार तुम्हारी मर्जी पड़े जाने जाओ, पर आखिरी में मुर्दे को तो शमशान ले जाना ही पड़ेगा और शमशान में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं, एक जिसको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, शिव तुझे श्राप देता हूं तो शमशान में निवास करेगा, शंकर भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में सब मुझसे मिलने ही जाए, क्या पार्वती जी ने शिव जी से एक बार कहा था देखो प्रभु सब इधर उधर जाते हैं, लक्ष्मी जी भी जाती है, सरस्वती भी जाती है, इंद्राणी भी जाती है, इंद्र भी जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं, तुम कहीं नहीं जाते, भगवान शंकर के मैं जाकर करूंगा क्या, सबको यहीं आना, मैं जाकर क्या करूंगा, शमशान एक ऐसी जगह है व्यक्ति कितने भी गंदे कपड़े पहनकर मरा हो आखिरी में उसको नहलाकर इत्र लगाकर तैयार कर डेंटिंग पेंटिंग कर फिर अच्छे कपड़े में लपेट कर लेकर जाते, जिंदा हो तब तक तुम्हारे कपड़े का नाप लिया जाता है, मरने के बाद डायरेक्ट जाकर कह दो कपड़े वाले के यहाँ भैया मर गया कफन देना जरा कपड़ा देना, बिना नाप के दे देता है, उसको कैसे मालूम कि इतनी हाइट होगी, जिंदा थे कंपनी का कपड़ा पहना, ये कंपनी का वो कंपनी का, घड़ी पहनी कंपनी की, जो ऑटो पे लगाते ना तो लाइन खींच के वो भी कंपनी का, कंपनी का, कंपनी का, सब चीज कंपनी की, बिंदी भी कंपनी की, केवल जीते जी कंपनी याद रखी, नहीं ब्रांड का पहनूंगा, ब्रांड का पहनूंगा, कंपनी का पहनूंगा, मरने के बाद भी लिख के जाना रेमंड का पिना, मरने पर नहीं मालूम कौन सी कंपनी का कपड़ा उड़ा दिया, कौन सी कंपनी का सामान लगा दिया, तब तो कोई कंपनी याद नहीं आई, तब अंत में किसी ने कह दिया देखो अब कुछ नहीं बचा शरीर में, एक काम करो गंगा जी का जल मुंडा में डाल दो, तुलसी का दल डाल दो और कुछ नहीं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण सिर गिरे गोविंद नाम लेकर, जब प्राण सिर गिरे गंगा जी का तट हो यमुना, भगवान गंगा का तट हो यमुना का बंसी और मेरा सांवरा, और क्या चाहिए, पर आज के जमाने में लोग ये भी नहीं करते, पास में छोरी खड़ी हो गले में चैन खड़ी हो मेरे दरवाजे कार खड़ी हो, जब व्यक्ति भगवान को नहीं भजना चाहता मरते मरते भी उसकी चित्तवृत्ति में रहता है, मरते मरते भी, एक व्यक्ति के चार बेटे, प्राण छूटने का समय, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांस, डॉक्टर ने कह दिया प्राण छूटने वाले, अंतिम सांस चल रही, उसके चार बेटे पत्नी पति से कह रही है सुनो तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं, भगवान का नाम ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, पति ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, पत्नी बोली वो डॉक्टर को छोड़ने गया है, थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा भगवान का नाम लो, देखो
आप सब छोड़ दो, ये मोह माया भगवान का नाम लो, अंतिम सांस से चलो। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? दवाई लेने गया है। देखो फालतू की बात मत करो, तुम भगवान का नाम लो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम बोलो। फिर बोला तीसरा बेटा कहाँ है? पाँव दबा रहा। थोड़ी देर बाद फिर उठ के बोला चौथा बेटा कहाँ है? बस तुम्हारे लिए नारियल पानी लेने गया है। इतने में मरता हुआ व्यक्ति उठकर बोला चारों की चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पर कौन गया है? दुकान पर अंत समय प्राण छूट रहे, दुकान याद आ रही, भजन नहीं याद आ रहा, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम याद नहीं आ रहा, अंत समय में भी दुकान याद आ रहा, कैसे भजन हो? कैसे शिव कथा कर रही है? षडानंद कार्तिके का जन्म हुआ, षडानंद कार्तिके को प्रकट करने का कारण केवल इतना था तारकासुर का वध करना था। तारकासुर जो शिव का उपासक है, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति में जो डूबा हुआ है वो तारकासुर है। अब लोग कहते हैं असुर है, राक्षस है, हाँ असुर है राक्षस है, पर भगवान का भजन करता। राक्षस भी शिव जी को भजते हैं, हाँ राक्षस भी शिव जी को बजते हैं, बजते हैं। अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं। ए मेरी जीजियों, जीजाओं, अच्छा अच्छा तो सब अपनाना चाहते हैं, ताजी रोटी तो सब खाना चाहते हैं, बासी कौन खाएगा? अच्छों से संबंध सब रखना चाहते हैं, बुरों से कौन रखेगा? जब अच्छे कपड़े तुम पहनना पसंद करते हो, अच्छा भोजन करना पसंद करते हो, अच्छे घर में रहना पसंद करते हो, तो अच्छे से भगवान के मंदिर जाना भी तो प्रारंभ करो, तो ये सब अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाए। जो मनुष्य का शरीर मिला, मानव की देह मिली, जो ये शरीर 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला, 84 लाख नंबर का ये शरीर है, 83,99,999 योनियां कटी तब हम मनुष्य बने, और ये मानव शरीर में कमा दो। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे खेड़े में तुम्हारा जीजा पटवारी बन जाए, कौन बन गया पटवारी? जम के बोलो, जम के, जीजा, तुम्हारे जीजा जी पटवारी बन गए, तो जीजा जी क्या कहते हैं? देखो मैं पटवारी बन गया हूं, तुम्हारे गांव का हूं, तुम्हारे खेड़े का हूं, तुम्हारे नगर का हूं, जितने काम करवाना है अब भी करवा लेना, मैंने सुना है मेरा ट्रांसफर होने वाला, तो तुम क्या करोगे जल्दी? जीजा जी पटवारी है, जल्दी का खसरा निकलवा, जमीन के कागज निकलवा, जो करवाना अब भी करवा लो, क्योंकि जीजा जी बोलो बोलो जम के बोलो पटवारी है। और जीजा जी ने कह दिया जो करवाना अभी करवाओ, ट्रांसफर हो जाएगा मेरा तुरंत, थोड़े दिन के बाद मेरा ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए तुम्हें जो करवाना है, अभी मैं पटवारी हूं तो कर लूंगा, जितना अच्छा अच्छा काम करवाना है, जितना तुम्हें काम करवाना है अभी करवाओ, फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह भगवान के भक्त कहते हैं अभी मेरा मनुष्य का शरीर मिला है, मतलब मैं पटवारी हूं, जितना काम करना है कर लो, भजन करना है कर लो, पुण्य करना है कर लो, नाम जाप करना है कर लो, फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर गया, ट्रांसफर हुआ, ना भजन कर पाओगे, ना कीर्तन कर पाओगे, ना नाम जाप कर पाओगे, ना स्मरण कर पाओगे, भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, ना कर सकते। इसीलिए आप लोगों से कहा था शिव के सिवा कहीं, शिव के सिवा कहीं आता है आप लोगों को? बोलते हो? जरा बोलो एक बार, आप लोग बोलो शिव के सिवा, शिव के सिवा बरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, बरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा मरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, मरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
दोनों हाथों से शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं आओ राधे की बात। आज एकादशी भाव के साथ कार्तिक का महीना दामोदर मास सुंदर आनंद से बाबा से प्रार्थना गोदावरी का तट बाबा त्र्यंबकेश्वर की साक्षी कपालेश्वर महादेव की साक्षी बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए आनंद सकते हैं। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो
तुम्हारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगल का भी वेश है मंगल मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव समाहित है। बड़ी सुंदर लीला है तारकासुर और षडानंद कार्तिकेय जी की। जिस तारकासुर के तीन पुत्र हुए थे, जिन्होंने तीन पुरियों का निर्माण करा था, शंकर जी ने उनका संहार करा था, तो त्रिपुरारी शिव। बड़े सुंदर सुंदर संवादों का सुंदर। जैसे एक दीपावली का पर्व होता है, जिस पर्व पर आप और हम भगवान को दीप लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक देव दीपावली होती है, जिसका फल, जिस दिए को हम लगाते हैं, उस दिए का जो फल है वो हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम देव दीपावली पर दिया लगाते हैं तो उसका जो फल है, जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं या हम दिया लगाते हैं, तो उसका जो फल होता है शिव की आराधना का या अन्य पर्व मनाते हैं, तो उसका फल स्वयं 33 कोटि देवता प्रदान करते हैं। 33 कोटि वो साधारण नहीं होता, उसका फल मिलता जरूर। जो महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है, आप एकाग्र चित्त से जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो आप मन लगाकर विश्वास रखकर जो अनुष्ठान जो पूजन जो अर्चना करते हैं, उसका फल मिलता जरूर, वो खाली नहीं था। आज कौन से दिन की कथा है? 30वें दिन की। कितने दिन बचे? 2 दिन और बचे। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों के दिन सुबह कथा का समय जब समापन वाला दिन रहेगा, 5वां दिन, वो कथा का दिन, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का जब परसों का समय रहे, कल तो यही समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, आखिरी दिन विराम दिवस पर 2 से 5 की जगह सुबह 8 से 11 बजे टीवी पर वही 2 से 5 आएगा, पर आखिरी दिन कथा यहाँ जब 8 बजे से 11 बजे तक हो, आप अपने अपने परिवार से, जितने लोग नासिक के आसपास के रहने वाले हैं, आप नहीं जा पाए 5 दिन कार्तिक के महीने में गोदावरी के तट पर कथा सुनने के लिए, आखिरी दिन बाबा से निवेदन कर भले 11 बजे के बाद जाकर दुकान खोल लेना, पर अपने परिवार से जरूर कहना कि आप चलो शिव पुराण की कथा का लाभ अपनी जिंदगी में लेना। बार बार नहीं मिलता, मौका मिला है। ये कथा 25 तारीख को विराम हो जाएगी, 28 तारीख को ददरुआ धाम भिंड में ये कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के भक्तों को इसके बाद जो कथा मिलेगी वो 5 दिसंबर से जलगांव में प्राप्त होगी, वो पूरी 7 दिन की कथा मिलेगी। दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर उस कथा को प्राप्त करिए, शिव कृपा से प्राप्त। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रकट हुआ है, गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, भावभक्ति के साथ श्री गणेश जी महाराज का आनंद। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आज कथा का तृतीय दिवस विराम की ओर है, बड़े भाव से आराम से आप लोग आनंद लेकर आरती कर अपने अपने गंतव्य की ओर फिर जाएंगे। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य है, भाव के साथ आनंद के साथ सुंदर हमारे बीच में संत महोदय पधारे, उनको साधुवाद का बहुत बहुत प्रणाम। आरती का क्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा, उससे पहले आशीष जी थोड़ी सी सूचना दे रहे हैं। आज बड़े प्रेम से देव उठनी एकादशी है। जो लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो आप सहयोग दे रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम आदि के लिए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमाधरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी, और कल कथा चतुर्थ दिवस की रहेगी। आप सभी को ज्ञात है कल कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों पंचम दिवस की कथा, विराम दिवस की जो कथा रहेगी, वह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अधिक से अधिक संख्या में पधारे, कथा अमृत का लाभ लें, और 25 तारीख तक यह कथा नासिक की पावन धरा पर रहेगी। इसके उपरांत आप सभी को ज्ञात है 28 तारीख से दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के पावन चरणों में सुंदर कथा का आनंद लेकर हम सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। भिंड की यह पावन धारा दंदरुआ धाम हम सभी पहुंचेंगे, और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि इसके उपरांत जलगांव की पावन धारा पर भी 5 दिसंबर से कथा होनी है। अधिक से अधिक संख्या में वहां पर भी पधारे और कथा अमृत का लाभ लें। सुंदर आरती कथा में हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिथि के मंच पर पधारे।
नेरकर परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर बता रहे हैं। राम राव जी पाटिल कथा के मुख्य यजमान हैं, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर बता रहे हैं। मुंदड़ा परिवार बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर बता रहे हैं। लक्ष्मण साहू जी परिवार, मिलन जी सजगुरे, राहुल जी रनलकर, मिलिन जी कुलकर्णी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, आरटी जी घोंगड़े, श्याम जी सावले, अनिल सोनी परिवार, रंजना जी मोरे, जयश्री जी मोरे, जयश्री जी सतपुते, दीपा जी गवली, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर बता रहे हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। Bye.